यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। देख सकते हैं गाइस, शिक्षा मंत्री की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। आखिरकार शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर ही दिया कि शीघ्र ही शुरू होगा सातवें चरण का शिक्षक निधन, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है। काउंसलिंग की बात करें, थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपकी जल्द से जल्द यानी कुछ घंटों में ही इसके लिए शेड्यूल जारी होने वाला है, तो बिल्कुल भी आप धैर्य रखिए। तब तक एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि देखिए लिखा है यहाँ पे शीघ्र ही शुरू होगा सातवें चरण का शिक्षक नियोजन, शिक्षा मंत्री ने कहा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। कहा शीघ्र ही सूबे में सातवें चरण का नियोजन भी होगा। जिन लोगों ने शिक्षक पद के लिए आवेदन किए हैं और बेहतर अंक होने के बावजूद उनका चरण में नहीं हो पाया है तो उन्हें सातवें चरण में नियुक्त किया जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है यार, इससे बड़ी खुशखबरी पहले हमने नहीं बताई आपको, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री ने ही कह दिया है कि शीघ्र ही होगा सातवें चरण का शिक्षक नियोजन, शिक्षा मंत्री। तो देख सकते हैं गाइस, लिखा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। कहा शीघ्र ही सूबे में सातवें चरण का नियोजन भी होगा। जिन लोगों ने शिक्षक पद के लिए आवेदन किए हैं और बेहतर मेधा सूची में उन्होंने अपना नाम लिया है, नाम दर्ज किया है, उन्होंने बताया कि तमाम जिलों में शिक्षकों की रिक्तियाँ मांग ली गई हैं। तो देख सकते हैं गाइस, बहुत बड़ी अपडेट है, प्रत्येक जिले से जो है वो रिक्तियाँ मांग ली गई हैं और अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है कि कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति का रास्ता जो है दोस्तों वो खुलता नजर आ रहा है। और देख सकते हैं गाइस, उन्होंने कहा है कि नियोजन रद्द किया गया कई जगह। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को इस कदर पारदर्शी बनाया गया है कि कोई फर्जीवाड़ा करके बच नहीं सकता। तो देख सकते हैं गाइस, फर्जीवाड़ा ना हो, फर्जीवाड़ा से बचा जा सके, इसके लिए इन्होंने अपडेट यहाँ पे दी है कि भाई अधिक से अधिक फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है तो भाई नियुक्ति की प्रक्रिया में फूक फूक के कदम रखना होगा, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। और इन्होंने साफ तौर पर बयान आया है कि इन्होंने कह दिया है कि रिक्तियां जो है सभी जिलों से मांग ली गई हैं, सभी जिलों से रिक्तियां जो है मांग ली हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा। एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि भाई प्रत्येक जिले से जो रिक्तियाँ हैं वो मांग ली गई हैं और अब कहीं ना कहीं नियुक्ति का रास्ता दोस्तों खुलता नजर आ रहा है। देख सकते हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी घोषणा कर ही दी है। देख सकते हैं गाइस, तो अच्छी अपडेट है और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी भी कही जा सकती है कि ये दी जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ अपडेट आई है। देखिए, काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने मांगी सहमति, काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने मांगी है सहमति। अब किसकी सहमति मांगी है वो देखिए यहाँ पे। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक देख सकते हैं बहाली के दूसरे चरण के लगभग 1100 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग कराने के संबंध में शिक्षा विभाग ने पंचायती राज देख सकते हैं यहाँ पे पंचायती राज विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा है। सहमति मिलते ही काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। 13 सितंबर को पंचायती राज विभाग को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग का जो पत्र है वो भेज दिया गया है और कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आने वाली है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे अरसे से इंतजारी में बैठे थे कब तक उनकी नियुक्ति होगी। तो सहमति जो है वो मांग लिया गया है पंचायती राज से, यानी कि जो सहमति मांगी गई है वो मांगी गई है प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से, जो कि पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी रह चुके हैं। तो पंचायती राज विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा है और सहमति मिलते ही काउंसलिंग की तिथि जारी करने की बात कही है। तो बहुत ही अच्छी अपडेट है भाई, कह सकते हैं कहीं ना कहीं विभाग जो है 90% प्रमाण पत्रों की जाँच दोस्तों कर चुका है। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि 90% प्रमाण पत्रों की जांच जो हो चुकी है। देख सकते हैं हमारे रिपोर्टर रजनीश कुमार ने, जो कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पल पल की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, उनके द्वारा देखिए अपडेट आई है कि शिक्षक बाली अपडेट अगले 48 घंटे में छठे चरण के तीसरे फेज की काउंसिलिंग की तिथि की होगी घोषणा कल शिक्षा विभाग में। देख सकते हैं गाइज, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है शिक्षा विभाग में बहाली को लेकर महत्वपूर्ण बैठक इसी माह शुरू होगी। काउंसलिंग 90% प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। तो देख सकते हैं गाइज, शिक्षा विभाग में बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक के बाद 90% प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है भाई। अब कह सकते हैं कि नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी इंतजार में बैठे थे कि भाई कब तक उनकी नियुक्ति हो पाएगी, तो अच्छी खबर है गाइज, बहुत ही बढ़िया अपडेट है, बड़ी अपडेट है कि अब जल्द से जल्द नियुक्ति का रास्ता कहीं ना कहीं दोस्तों खुलने जा रहा है।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि शिक्षक वाली अपडेट अगले 48 घंटे में छठे चरण के तीसरे फेज की कौन सी तिथि की होगी घोषणा। तो देख सकते हैं 48 घंटे का समय दिया गया है और कहा क्या दिया गया है कि भाई 48 घंटों के अंदर थर्ड राउंड काउंसिलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आगे देखिए गाइस, 632 चयनित शिक्षकों का सर्टिफिकेट निकला फर्जी, प्राथमिकी होगी दर्ज। साफ तौर पर देखिए निजी निकायों द्वारा 50,348 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इस दौरान 632 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है वैसे अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। देख सकते हैं गाइस, इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। ये तो समय बर्बाद कर रहे हैं शिक्षा विभाग का, जिस कारण से बहाली की प्रक्रिया में भी विलम्ब हो रहा है। तो बड़ी अपडेट है और कह सकते हैं गाइस। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11,000 पदों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग पर निर्णय 2 दिनों के अंदर। तो अतिरिक्त जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उससे भी 2 दिनों के अंदर जो है वो निर्णय आने वाला है। तो बहुत अच्छी अपडेट है शिक्षक नियोजन को लेकर। काउंसलिंग की तिथि हफ्ते भर का समय दिया गया है कि भाई जल्द से जल्द काउंसलिंग की जो डेट है वो जारी कर दिया जाए। और देख सकते हैं पंचायती चुनाव की आचार संहिता के दौर में छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन में संदर्भ में काउंसलिंग कराई जा रही है या नहीं, इस पर निर्णय 1 या 2 दिन में होने के पूरे आसार हैं। निश्चित लिखा है, लिहाजा काउंसलिंग के संदर्भ में 48 घंटे में अहम जानकारी मिल सकती है। देख सकते हैं गाइस, अच्छी अपडेट। आगे देखिए दोस्तों, 52 संदिग्ध अभ्यर्थियों को बुलाया, 7 पहुंचे, 1 पर प्राथमिकी दर्ज। देख सकते हैं गाइस, संदिग्ध ये अभ्यर्थी संदिग्ध हैं, इनको बुलाया गया है जिन्होंने फर्जीवाड़ा के द्वारा जो है शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा किया है। देख सकते हैं गाइस, तो इन पे प्राथमिकी दर्ज हुई है और कह सकते हैं कि भाई इसके बाद कहीं ना कहीं देखिए फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नियोजन करने वाले शिक्षा विभाग काफ़ी सख्त हो गया है इन पे। जिले में प्रमाण पत्रों के दे सकते हैं सत्यापन को लेकर तीन उम्मीदवार दे सकते हैं, 3 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को जाँच कर किया है शिक्षा विभाग ने। तो शिक्षा विभाग फूक फूक के कदम रख रहा है, अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र है उनमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं विभाग जो है गाइस तैयार है कि इन अभ्यर्थियों पे जो है प्राथमिकी दर्ज की जाए, कार्रवाई जो है इन पे की जाए। देखिए लिखा है, दरभंगा में चयनित अभ्यर्थी का बक्सर के केशवपुर में हुआ फर्जी नियोजन। तो देख सकते हैं प्रभात खबर ने पहली बार फर्जीवाड़े के मामले का किया खुलासा, अब हर दिन आ रहे हैं नए मामले। तो आप देख सकते हैं गाइस, फर्जी अभ्यर्थियों के नाम जो हैं लगातार आने लगे हैं। शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। तो प्लीज़ इस प्रकार के फर्जीवाड़ा से बचें और आप किसी प्रकार के फर्जीवाड़ा में ना पड़ें, क्योंकि प्राथमिकी दर्ज होगी तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो पल पल की जितनी अपडेट आएगी सीधे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने बड़ी खुशखबरी दे दी है 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर। तो जल्द से जल्द अनियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, शिक्षा मंत्री का ऐसा कहना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे नए अपडेट को लेकर आपके साथ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।